प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौर आज आपको छठी के प्रश्न वाले 2.1 पढ़ा रहा हूं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। अगली तीन, 10,999 के बाद अगली, अगली मतलब आगे आने वाली। जैसे कि आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है गिनती में एक के बाद क्या आता है, 2, 3, 4, तो सब में हम क्या करते हैं, एक एक प्लस करते जाते हैं। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही सोचना है, लिखना है 10,999 के बाद तीन, बाद में पूछी जाने के अगली आने वाली, तो हम क्या करेंगे, एक एक प्लस करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो 10,999 में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,000। ये हो गई हमारी पहली संख्या। फिर इसमें हमको दूसरी चाहिए तो एक फिर जोड़ेंगे तो 11,001, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या। फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 11,002, यानी कि तीसरी संख्या। हमें तीन संख्या पूछी गई थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में इसके विपरीत हमें पूछा है कि ठीक पहले आने वाली संख्या, पहले यानी कि 5 के पहले क्या आता है, तो हम बोलते हैं 4, क्योंकि हम उसमें एक एक घटाते हैं। तो यहाँ पर 10,001 से पहले तीन आने वाली संख्या लिखना है, तो पहले एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000, ये हमारी हो गई पहली संख्या। फिर इसमें से एक घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9,999, ये हमारे पास आ गई दूसरी संख्या। फिर इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो 9,998, ये हमारी हो गई तीसरी संख्या। इस प्रकार हमने इस पहले सवाल में तीन बाहर आने संख्या है और दूसरे सवाल में तीन पहले आने वाली संख्या निकाल ली। बाहर वाली संख्या को हम परवर्ती भी बोलते हैं और पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती भी बोलते हैं, पूर्व मतलब पहले। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहां पर हमें समझना होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब सारी संख्या, पूर्ण उसमें सभी संख्या आ जाती है, तो पूर्ण संख्या जब हम लेंगे तो उसमें शून्य को शामिल करेंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई हमारी, शून्य यानी कि 0। तो हम लिखेंगे पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0, पहले का उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, तीसरे का उत्तर 0। और अगर प्राकृत संख्या बोलते हैं तो सबसे छोटी क्या आती है हमारे पास, 1 आती है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें कहा गया है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। चौथे सवाल में क्या पूछा गया है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि 32 और 53 के बीच में 22 है 20 है 21 है, तो एक घटा के कर सकते हैं। लेकिन आप छोटी कक्षा में हैं तो आपको इसको लिख के करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देखिए 32 है 32 के बाद आप लिखते हैं क्या आएगा हमारे पास, 33, फिर 34, 35, 36, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 55, 52। हमें 32 और 53 के बीच में पूछा था, तो हम यहाँ पर 53 को नहीं गिनेंगे और यहाँ पर 32 को भी नहीं गिनेंगे। अब कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि चौथे का हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 20 संख्याएं। कितनी संख्या हो गई हमारे यहाँ पर, 20। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें कहा गया है निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती आपको मैंने परवर्ती मतलब बाद की संख्या को परवर्ती भी कहते हैं। हम देखते हैं 5वां प्रश्न, हम परवर्ती निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस 1, हर बार हम लोग 1 प्लस करेंगे। तो हम देखते हैं 5वें का पहला, निम्न के परवर्ती निकालिए। पहला दे रखा है, हमने संख्या दे रखी है ए वाली, ए हमें दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 24,40,701, 24,40,701 ये हमें दिया गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, परवर्ती निकालना है, तो इसका परवर्ती क्या होगा, प्लस 1। पीछे से हम इसको जोड़ेंगे, संख्या को हम पीछे से जोड़ते हैं, आपको पता है इकाई के स्थान से, तो ये हमारा इसका परवर्ती हो गया। अब हम देखते हैं बी वाला, बी वाले में क्या कहा गया है, इसमें भी परवर्ती निकालना है हमें, तो इसमें भी हम एक जोड़ेंगे, एक का जोड़ते हैं हम इकाई के स्थान पे पीछे, ये हमारा दूसरे का उत्तर आ गया। अब हम देखते हैं सी वाला, सी वाला में हमें संख्या दी गई है,
इसमें भी हम एक जोड़ेंगे, ये हमारा उत्तर है। इसी प्रकार डी वाले में जो आप लोग करेंगे, एक जोड़ेंगे, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। सभी ने क्या करना है, पार्वती बोले तो हम लोग को एक संख्या जोड़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया सवाल में, छठे सवाल में पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती में हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे। तो हमारा ए नंबर का क्या है, 94, इसमें से एक घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 93। इसी प्रकार बी वाला है, बी वाले में हमें क्या दिया गया है, 10,000 दिया गया है, इसमें भी एक घटाएंगे 9,999। इस प्रकार सी को घटाएंगे, सी में हमारे पास 20,80,90। हम इसे लिखते हैं संख्या को, इसमें से पूर्ववर्ती यानी एक घटाएंगे, अब डी वाला, डी वाले में हमें क्या कहा गया है, जो संख्या दी गई है 76,54,321, 76,54,321, इसमें से ये घटाएंगे, ये हमारा छठा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में केवल आपको क्या बताना है, इन युग्मों में से कौन सी संख्या रेखा पर बाह्य अवस्थित है। तो इसमें कौन सी बड़ी छोटी, आपको यह तो बताना बहुत आसान है, 530 और 503 में से कौन सा बड़ा है, 530 तो जिस प्रकार चिन्ह बड़ी संख्या के लिए इस प्रकार चिन्ह, जिसका मुंह चिन्ह का मुंह जिस तरफ खुलता है वो संख्या हमारी बड़ी होती है। जैसे कि स्टूडेंट और टीचर में मैं बड़ा हूं तो हमारा इशारा इस तरफ होगा। मान लो कोई संख्या बड़ी है 50 इधर है 10 इधर है तो हमारा मुंह इस तरफ खुलेगा, अगर इधर की संख्या बड़ी है तो इस तरफ खुलेगा, और अगर दोनों बराबर है तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो इसकी हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, आप उसको आराम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको 2.2 पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।